टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में ये मैंने बताया था कंडक्शन बैंड है, ये बताया था मैंने वैलेंस बैंड है, और मैंने ये बताया था कि सपोज ये इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है। और उसी तरीके से मैंने ये भी बता दिया था कि आपके पास ये मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये आपके पास मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये इसका वैलेंस बैंड है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे डिस्कस किया था हमने, वैलेंस बैंड है एंड कंडक्शन बैंड है ऐसे। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर वन ये है कि जो वैलेंस बैंड है, मैंने बताया था कि अगर इंट्रिंसिक है तो इसके अंदर ये वैलेंस बैंड है, इसके अगर इसको थर्मल एनर्जी मिले और इसके सपोज तीन इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएं तो तीन होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड के अंदर, इनकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी, तो इनकी अमाउंट सेम रहेगी। और एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एच का मतलब है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में तो होते ही हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोपेंट की वजह से इसमें डाले जाते हैं, और डोपेंट के इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट फ्री टू मूव हैं, पूरी तरह फ्री टू मूव तो नहीं है पर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव हैं, तो वो कहाँ पे पाए जाएंगे? कंडक्शन बैंड के काफ़ी क्लोज पाए जाएंगे। और जैसे ही ये कंडक्शन बैंड के क्लोज हैं, इसको फर्मी लेवल बोलते हैं। फर्मी लेवल को इसमें क्या नाम देते हैं? डोनर एनर्जी स्टेट। ये डोनर एनर्जी स्टेट है, तो इस स्टेट को पूछा जाता है कि जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो आपका फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट हो जाता है? नियर टू दी कंडक्शन बैंड हो जाता है, और इस लेवल को क्या बोलते हैं? डोनर एनर्जी स्टेट बोलते हैं। और अगर आपने यहाँ पे एनर्जी दी और आपकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चले गए, तो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर यहाँ से चले गए, और सपोज दो यहाँ से चले गए तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर दो होल्स हो गए। हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी से ज़्यादा है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होल के जो वैलेंस बैंड है इसके होल से ज़्यादा है। और उसी तरीके से पी टाइप के अंदर बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में तो होते ही होते हैं, और कुछ यहाँ पर होल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, और होल्स क्रिएट होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जो आपका फॉरवर्ड एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है। और जब आप इसको एनर्जी देते हो तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए अपनी जगह, जो है दो होल्स क्रिएट कर जाएंगे यहाँ पे, ये वैलेंस बैंड यहाँ तक ले लो, वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट कर जाएंगे, तो इसमें चार होल्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें होल डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब इम्पॉर्टेंट ये है, ये तो हमने कर लिया था, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बराबर है। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं होल से, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है रादर होल से। एन टाइप में ज़्यादा करंट किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट, और कम करंट किसकी वजह से होगा? होल करंट। और ज़्यादा अमाउंट को बोलते हैं मेच्योरिटी, और कम को क्या बोलते हैं? माइन्योरिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेच्योरिटी कैरियर और होल्स आर इन माइन्योरिटी कैरियर। अब अगर वर्ड यूज किया गया मेच्योरिटी माइन्योरिटी, तो ये नहीं कहता 19-21 का फर्क है, 19-21 का होता तो मेच्योरिटी माइन्योरिटी नाम कहाँ से आ जाता? माइन्योरिटी का मतलब बहुत ही थोड़े हैं, और मेजोरिटी का मतलब बहुत ही ज्यादा है। तो यानी कि जब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात होगी, तो ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन मेजोरिटी कैरियर एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ज्यादा है, होल करंट इसमें कम है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है, तो होल करंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें कम है। तो होल्स आर इन मेजोरिटी कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है और होल्स इसमें मेजोरिटी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। और इस स्टेट को क्या बोलते हैं जो क्रिएट हो जाती है इसमें? इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। हम अभी डिस्कस करेंगे, फर्मी लेवल को एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट बोलते हैं इस केस में।
तो ऐसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक, तो मेजोरिटी माइनॉरिटी भी क्लियर हो गया यहाँ तक।